छतरपुर में कार के अंदर बैठकर कोविड 19 के संदिग्ध मरीजों की जांच करने की व्यवस्था की गई है और इसे संजीवनी वाहन नाम दिया गया है। इसके द्वारा मेडिकल स्टाफ बिना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए उसकी जांच कर सकता है। छतरपुर के राजनगर में पहली बार ऐसी पहल की गई जहां मेडिकल स्टाफ कार के अंदर बैठकर कोविड 19 के संदिग्ध मरीज की जांच कर सकता है। संजीवनी वाहन के द्वारा स्वास्थ्य कर्मी अब किसी भी कोरोना संदिग्ध के बिना संपर्क में आए स्क्रीनिंग जांच कर पाएंगे। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के कारण कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले भी हुए हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए राजनगर प्रशासन एवं डॉक्टरों के शोध ने संजीवनी वाहन की पहल की। संजीवनी वाहन में बाहर से एक कैमरा और एक इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है जो संदिग्ध का फोटो लेकर और टेम्परेचर चेक करेगा और इसे संजीवनी ऐप द्वारा भरा जाएगा। संजीवनी ऐप द्वारा सभी संदिग्धों की जानकारी एकत्रित की जाएगी और प्रशासन को भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि संजीवनी वाहन से पीपीई किट की जरूरत नहीं रहेगी और स्वास्थ्य कर्मचारी आसानी से जांच कर पाएंगे। अभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, वो जब भी कोरोना संदिग्ध की जाँच करने या स्क्रीनिंग करने जाते हैं तो ये इंदौर भोपाल में और बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों पर ये पाया गया है कि वो स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण संक्रमण और फैल जाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसी वाहन संजीवनी वाहन डेवलप करवाई है जो कि किसी भी संक्रमित एरिया में अगर जाएगी तो डॉक्टरों को गाड़ी से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और यहाँ जो ये कैमरा दिख रहा है इसके सामने मरीज खड़ा होगा और डॉक्टर लोग अंदर से इसकी जांच करेंगे, इसका टेम्परेचर लेंगे, इनका फोटो लेंगे और माइक के द्वारे इनसे पूछा जाएगा उनका नाम और बाकी सब, इनको बुखार है, खांसी है या जो भी है, और ये सब जानकारी संजीवनी ऐप पे अपडेट की जाएगी और उसको बाद में प्रशासन के पास भेजा जाएगा। क्या है कि इस समय गर्मी का सीजन है और हम अगर अपने कर्मचारी को पीपी किट लेके भेजते हैं तो 10 मिनट में पसीना पसीना हो जाए, तो ये सोच हमारे एसडीएम स्वप्निल वानखेड़े साहब की थी कि एक ऐसा व्हीकल बनाया जाए जिस व्हीकल में बैठे बैठे ही उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जाए और उसका रिकॉर्ड बन जाए। तो हम लोगों ने मिलकर एक ऐप डेवलप किया, उस ऐप में डायरेक्ट जो है उसका पूरा रिकॉर्ड उसी समय कर लेते हैं और वो हमारा जो है उसमें फीड हो जाता है और हमारे पास उसकी जो है प्रिंटआउट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हर मरीज़ का हम लोग जो है एक के बाद एक हम लोग उसका जो है स्क्रीनिंग करते जाएंगे और जो भी बंदा बैठेगा वो मतलब एसी गाड़ी है तो उसमें आराम से बैठ के अंदर से ही उसका फोटोग्राफ और उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।